दोस्तों आज का वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है ज़ायरो ने। ज़ायरो जो है एक वेबसाइट बिल्डर है, और दोस्तों मेरा हमेशा से मानना है कि हर फोटोग्राफर की अपनी खुद की वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। उससे ना केवल आपको काम अपने शहर में बल्कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है अपना वर्क पूरी दुनिया के अंदर शोकेस कर सकते हैं और वहाँ से आपको लोग हायर भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत सारे फोटोग्राफर सोचते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उसको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, वेबसाइट बिल्डर को हायर करना पड़ता है, वेबसाइट डिज़ाइनर को हायर करना पड़ता है, हज़ारों रुपये का खर्चा होता है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए पीछे भागना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ज़ायरो करता है आपकी बहुत बड़ी हेल्प, क्योंकि ज़ायरो एक ऐसा वेबसाइट बिल्डर है जहाँ पर आपको ओवर 100 रेडीमेड टैम्पलेट्स मिलते हैं। आप अपनी मनपसंद का टैम्पलेट चुन लीजिए और डिज़ाइनिंग शुरू कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोडिंग की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के डिज़ाइन स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ यहाँ पर आपको रेडीमेड है। आपको सिर्फ जो है यहाँ पर अपने कंप्यूटर से अपनी पिक्चर्स को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है वेबसाइट बिल्डर में, और आपकी वेबसाइट हो जाएगी अच्छे से डिज़ाइन। बात करें प्राइस की तो बहुत ही सस्ते में वेबसाइट आ जाती है दोस्तों। अगर आप एक साल का पैकेज लेंगे तो ये पैकेज आपको पड़ता है कुछ 150 रुपये पर महीने से। उसके अलावा फिर अलग अलग पैकेजेस हैं, और अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो वहाँ आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ आपको 24/7 का पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये वेबसाइट इतनी फास्ट खुलती है, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप है, बहुत ही जल्दी से खुलती है। बहुत ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप इस पर बना सकते हैं दोस्तों, और एक ही जगह पे, यानी कि इसी वेबसाइट से आप अपना इंस्टाग्राम का, अमेजोन का या फेसबुक पे जो भी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं वो आप इसी वेबसाइट से जो है हैंडल कर सकते हैं। तो आज से अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कीजिए, और मेरे डिस्काउंट कोड को जो है आप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट। अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए, और काफ़ी सारे इसमें फ्री टैम्पलेट्स भी हैं, और आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आज से अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों आज बात करेंगे हम एक होम सेटअप की, जहां पर आप पूरा ई कॉमर्स का यानी कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम आप अपने घर पे कर सकते हैं। अब इस होम सेटअप में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप वो चीज़ें अपने लिए कलेक्ट कर लेंगे और जैसा कि मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा पूरा शूट आप वैसे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप घर से ही बहुत अच्छा अपना अच्छा खासा एक ई कॉमर्स का प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम जो है अपने होम स्टूडियो से ही शुरू कर सकते हैं, और काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो आप कमा पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए एक छोटी सी मैंने टेबल यूज़ की। देखिए आप टेबल देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक टेबल है, आपको अपने घर में मिल जाएगी। वाइट कलर की टेबल मैंने इसलिए रखी है क्योंकि फोटोग्राफ्स के अंदर ज़्यादातर हम प्रोडक्ट्स अगर वाइट बैकग्राउंड पे रखेंगे तो थोड़े अच्छे नज़र आते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पीछे वाइट वॉल की, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पीछे एक पूरी वाइट वॉल आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएगा। वाइट वॉल नहीं है तो आप करा लीजिए जहाँ पर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख रहे हैं, ये एक स्टैंड पूरा देखिए इस तरह से। अब ये स्टैंड एक्चुअली ये तो मैं इस वक्त आपको स्टूडियो में शूट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टैंड है फ्रेंड्स, ये स्टैंड आपको मिल जाएगा बाज़ार के अंदर कुछ मेरे ख्याल से 1500 से 2500 रुपये में। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये देखिए यहाँ पर दो शूज़ हैं, यानी कि आज मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कैसे घर के अंदर ही घर के सेटअप में हम एक पूरा कमर्शियल शूट कर सकते हैं। तो आज मैं एक शूट कर रहा हूँ आपका शूज़ का कमर्शियल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट कलर का शूज़ है, और इस ये मेरे छोटा सा अपना डब्बा देख रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने लीन किया है शू को, ताकि थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लुक आए और जो मुझे प्रोडक्ट दिखाना है वो प्रोडक्ट मुझे अच्छे से दिखाई दे। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्लास्टिक डाली है, वो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ मैंने धागे से जो है थोड़ा सा लटकाया है ताकि ये प्रोडक्ट, ये शू और ये शू बहुत अच्छे से नज़र आए, और यहाँ भी मैंने एक प्लास्टिक अंदर डाला हुआ है ताकि ये जो बेस है इसका बहुत खूबसूरत सा नज़र आए। तो ये एक बेसिक सेटअप है दोस्तों जो आप अपने स्टूडियो के अंदर जो है बहुत ही आराम से लगा पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग गियर्स की, तो यहाँ पर आपको एक बेसिक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं अपनी स्टूडियो लाइट यूज़ कर रहा हूँ, आपके ज़रूरी नहीं कि आपको ये लाइट यूज़ करनी पड़े। आपको एक लाइट और एक ब्यूटी डिश, देखिए इस तरह से राउंड ब्यूटी डिश आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने ब्यूटी डिश जो है लगाई हुई है। ये आपको एक ब्यूटी डिश की ज़रूरत पड़ेगी, और आप जो भी ब्रांड, जो भी आपका बजट हो, आप उस बजट के हिसाब से जो है अपना ब्रांड आप चुन सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये अगर आपके पास में एक सेटअप होगा तो आप बहुत आसानी से जो है घर में ही बैठ के अपनी फोटोशूट कर पाएंगे। ये आप एक स्टैंड देख पा रहे हैं, पॉली स्टैंड या बूम स्टैंड, ये आपको मिल जाएगा। इसका भी जो लिंक मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सेटअप है, आप अपने किसी भी कमरे में, छत के आसपास या जो भी घर में आपकी जगह है वो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं।
अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूं आज अपनी फोटो शूट के लिए, ये आप देख रहे हैं मेरे पास मैक्रो लेंस, क्योंकि मैं प्रोडक्ट शूट कर रहा हूं तो मैं 105mm का निकॉन का 105mm का f2.8 लेंस यूज़ कर रहा हूं। और यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने अपने कैमरा को टेदर किया है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि जो पिक्चर है आप लाइव देख पाएँ। ये देखिए इस तरह से टेदर शूटिंग हो रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं सिकॉनिक का लाइट मीटर है मेरे पास, और यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको मीटर कर चुका हूँ लाइट को। अगर आपको नहीं पता कि लाइट मीटर के साथ कैसे काम करते हैं तो उसके तीन वीडियो मैंने नीचे लगाए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देखिए जिससे आपको पता चलेगा लाइट को कैसे मीटर किया जाता है। फिलहाल जो कैमरा सेटिंग्स हैं वो आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा सेटिंग मैंने रखी है करीब ISO मैंने रखा है 200, थोड़ी लाइट मैंने ऊपर रखी है और ISO मैंने 200 रखा है ताकि लाइट थोड़ी सी ज़्यादा मिले मुझे, और यहाँ पर प्योर वाइट ना आके थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा ग्रे मुझे मिले, ताकि ये जो शू वाइट कलर का है वो थोड़ा सा सेपरेट होके बाहर निकल के अच्छे से। अब मैं लेता हूँ शॉट दोस्तों और देखते हैं कि पिक्चर हमें कैसी मिलती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ बैठ जाता हूँ और अब लेते हैं एक पिक्चर। तो बहुत ही बेसिक सेटअप है और देखते हैं रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है या नहीं। तो ये मैंने दोस्तों एक पिक्चर लिया है यहाँ पे, देखिए इस तरह से, और आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि पिक्चर हमें कितनी खूबसूरत मिली। यहाँ आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे से हमारी जो है डिटेल्स निकल के आई हैं इमेज के अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और मैं फोकस भी एक बार चेक करता हूँ तो काफ़ी अच्छा खासा हमें फोकस मिल गया है। और कैमरा सेटिंग्स मैं आपको बता दूं, ISO मैंने रखा है 250, रखा है, शटर स्पीड मेरी 200 है और 6.3 के ऊपर मैंने शूट किया 105mm के लेंस के ऊपर फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा हमें पिक्चर मिला है। अब ये पिक्चर देखने के बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये पिक्चर हमने कितनी खूबसूरती से अपने एक होम स्टूडियो सेटअप में ही क्रिएट कर लिया। तो इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ऐसी जगह अपने घर में बनानी है जहाँ आप घर बैठ के इमेजेस अपनी शूट कर सकें, और बहुत ही आसान तरीका रहा दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस होम स्टूडियो सेटअप के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना तो मैं उनकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं आपको जो मेरी तरफ से हेल्प बन पड़ेगी वो मैं आपकी ज़रूर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सब्जेक्ट की पोजिशनिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए, और बाद में फोटोशॉप के अंदर आपकी धागा जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और आई थिंक पिक्चर के अंदर वो धागा शायद बहुत थोड़ा सा आया है और इरेज मैंने देखिए अभी कर दिया है, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इरेज करने के बाद जो है ये थ्रेड आप पिक्चर कितनी प्रोफेशनल नज़र आ रही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का होम सेटअप आपको कैसा लगा, और ई कॉमर्स की फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछने हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।